नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ अकेडमी में। रेलवे बैंक एंड SSC एग्जाम्स की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें शुभ अकेडमी को। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं RRB NTPC GS क्वेश्चन की सीरीज में 30 दिसंबर को शिफ्ट 1 में पूछे गए GS के क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटका एंड ऑप्शन डी है झारखंड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका स्टेट जो है वह भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड उत्पादन करने वाला राज्य है। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक जो राज्य है वह भारत के कुल गोल्ड उत्पादन का 99% गोल्ड उत्पादित करता है, बाकी बचा हुआ गोल्ड का उत्पादन झारखंड के द्वारा किया जाता है। एंड कर्नाटक की दो गोल्ड फील्ड है जहाँ पे गोल्ड का उत्पादन होता है। पहली गोल्ड फील्ड है कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको आप KGF के नाम से भी जानते हैं। वहां पर KGF मूवी की शूटिंग हुई थी, जो कि बहुत सुपरहिट मूवी थी। एंड जो सेकंड गोल्ड फील्ड है वह हुट्टी गोल्ड फील्ड है। यह दोनों गोल्ड फील्ड कर्नाटक की मेजर गोल्ड फील्ड है। अभी जो है फिलहाल में कोलार गोल्ड फील्ड तो बंद है एंड जो हुट्टी गोल्ड फील्ड है वह ऑपरेटेड है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज द जोजिला टनल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोजिला टनल जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जो जोजिला टनल है वह एशिया की लॉन्गेस्ट टनल्स में से एक, एंड इसकी जो लंबाई है वह 14.2 किलोमीटर है। एंड इसको है ना पाकिस्तान से ना रिकैप्चर किया गया था ऑपरेशन विसोन के द्वारा, जो कि 1947 एंड 1948 में ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन का नाम याद देना रखिएगा, ऑपरेशन विसोन के माध्यम से जोजिला को फिर से रिकैप्चर किया गया था पाकिस्तान से। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स ट्रैकर बॉल्स इज एन अ डिवाइस। ट्रैकर बॉल्स क्या होती हैं इन कंप्यूटर्स में? ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ऑप्शन बी है इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ऑप्शन सी है स्टोरेज होते हैं एंड ऑप्शन डी है नन होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जो ट्रैकर्स बॉल्स होती हैं कंप्यूटर में वह इनपुट डिवाइसेस होती हैं। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं ट्रैकर्स बॉल्स के बारे में। ट्रैकर बॉल्स जो होती हैं वह पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। मेजर इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, माउस हो गया, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन नेटवर्किंग सिस्टम। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है डायनेमिक होस्ट कंट्रोल पॉइंट, ऑप्शन सी है डेटा होस्ट कंट्रोल पैनल एंड ऑप्शन डी है डिस्प्ले हाउस कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सेंटर और स्टेट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है पुंछी कमीशन, ऑप्शन बी है कोठारी कमीशन, ऑप्शन सी है राजा मन्नार कमीशन, ऑप्शन डी है सरकारिया कमीशन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी जो कमीशन है वह राज्य और केंद्र से संबंधित नहीं है, और कोठारी जो कमीशन है वह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित एक कमीशन है, जो कि 14 जुलाई 1964 को बना था। और जो कोठारी कमीशन है वह भारत का 6वां कमीशन था। एंड जो कोठारी कमीशन है उसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो पुंछी कमीशन है वह 2007 में उसका फॉर्मेशन हुआ था, और जो सरकारी कमीशन है उसका फॉर्मेशन 1983 में हुआ था, और जो राजा मन्नार कमीशन है उसका फॉर्मेशन 1971 में हुआ था तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तो आप ये सारे फैक्ट याद देना रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डाउन फॉल इन अ रॉक इज नोन एज। जो रॉक में जो डाउन फॉल होता है उसको क्या कहा जाता है, डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सिंक लाइन, ऑप्शन बी है बैक लाइन, ऑप्शन सी है क्रस्ट लाइन, ऑप्शन डी है
एंटी क्लाइन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंक लाइन जो है वह डाउनफॉल इन रॉक को जाना जाता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होती है। ऑप्शन ए है 2048 बाइट्स के बराबर, ऑप्शन बी है 1024 बाइट्स के बराबर, ऑप्शन सी है 256 बाइट्स के बराबर एंड ऑप्शन डी है 512 बाइट्स के बराबर। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वह बाइट्स में मेजर की जाती है। जो 1 किलोबाइट होता है वह 1024 बाइट्स के बराबर होता है। आइए कुछ और मेजरमेंट या यूनिट कन्वर्शन जान लेते हैं। कंप्यूटर में जो 1 निबल जो होता है वह 4 बिट्स के बराबर होता है एंड जो 1 बाइट है वह 8 बिट्स के बराबर होता है एंड 1 किलोबाइट जो है वह 1024 बाइट्स के बराबर होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट्स के बराबर 1 किलोबाइट होता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडिया साइंटिफिक मिशन टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द सोलर कोरोना इज कॉल्ड। जो भारत का साइंटिफिक मिशन है जो सन का कोरोना है उसकी स्टडी करेगा उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोसेट, ऑप्शन बी है चंद्रयान, ऑप्शन सी है सतनव, ऑप्शन डी है आदित्य L1। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1 है। आदित्य L1 जो है वह इंडिया का मिशन है जो कि सोलार के अंदर जो कोरोना है उसकी स्टडी करेगा। ये कोरोना वायरस नहीं है, यह सन से निकलने वाली लपटें हैं जिनको कोरोना कहा जाता है। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो आदित्य L1 है वह भारत का फर्स्ट सोलार मिशन ठीक है, और जो इसकी लॉन्चिंग होगी वह PSLV C-56 के द्वारा January 2022 में की जाएगी। और जो एस्ट्रोसेट है इज द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन जो सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल की स्टडी करता है। एंड जो चंद्रयान फर्स्ट है वह इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो मून पे जाएगा, वो भी PSLV C-11 के माध्यम से। एंड जो सतनव है उसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी 2021। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होगा। ऑप्शन ए है एडिनबर्ग, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पर्थ एंड ऑप्शन डी है बिर्मिंघम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिर्मिंघम में। कॉमनवेल्थ गेम है उसका 2022 का जो मोटो होगा वह होगा गेम्स फॉर एवरीवन। एंड जो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम था वह गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है विच एमिनेंट पर्सन इज एसोसिएटेड विथ बरदोली सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किसका संबंध बरदोली सत्याग्रह से है। ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन सी है अरविंदो घोष एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो कि बरदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। और जो बरदोली सत्याग्रह है वह 12 जून 1928 को हुआ था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट उपधातु है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है लेड एंड ऑप्शन डी है गोल्ड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन जो है वह उपधातु या मेटलॉइड है। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि वह एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल के बीच प्रॉपर्टी को शो करता है उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। और जो आवर्त सारणी है उसमें कुल 8 प्रकार के मेटलॉइड्स हैं। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम एंड पोलोनियम, दोज आर मेटलॉइड्स। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विसेज वॉज फॉर्म्ड इन 1912 में जब रॉयल कमीशन फॉर्म किया गया था उस समय कौन वाइसरॉय था। ऑप्शन ए है इरविन, ऑप्शन बी है डफरिन, ऑप्शन सी है कर्जन एंड ऑप्शन डी है हार्डिंग। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्डिंग जो है वह उस समय के वाइसरॉय थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन
प्लास्टिक निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्लास्टिक्स में किया जाता है? ऑप्शन ए है क्रिप्टोन, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है ब्यूटेन एंड ऑप्शन डी है एथाइलीन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथाइलीन जो है उसका प्रयोग प्लास्टिक्स में किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृगच्छा कटी का पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है शुद्राका, ऑप्शन सी है हर्षा एंड ऑप्शन डी है भाषा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्राका के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी और जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर्स दैट मेडिएट रिफ्लेक्स एक्शन एंड दैट ट्रांसमिट इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ऑप्शन ए है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी है हार्ट एंड ऑप्शन सी है रिब केज एंड ऑप्शन डी है मसल। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड्स के द्वारा इंपल्सेस का ट्रांसफर होता है ब्रेन का क्या बोलते हैं बॉडी तक एंड बॉडी से ब्रेन तक, जो कि स्पाइनल कॉर्ड्स के द्वारा होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया जो कि 2014 में बनी थी? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है सिक्किम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना जो है वह भारत की 29वां राज्य था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज ऑफ अक्टूबर 2022 तक हु इज द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है एनके सिंह, ऑप्शन बी है शक्तिकांत दास एंड ऑप्शन सी है एएम खुसरो एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनके सिंह जो थे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एंड जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो आया था वह 1951 में आया था एंड जो केसी नियोगई जो थे वह भारत के पहले फाइनेंस कमिश्नर थे या चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन थे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क या सेंचुरी जम्मू कश्मीर में स्थित है? ऑप्शन ए है पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी है दच्चीगम नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है जल्दापारा नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी है बलपक्राम नेशनल पार्क। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दच्चीगम नेशनल पार्क जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है और जो दच्चीगम जो इसका नाम है ना पड़ा है वह 10 गांव की याद में इसका नाम रखा गया है एंड जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वह जो इसको नेशनल पार्क है वह 1981 में ना घोषित किया गया। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए थॉमस गोल्ड, ऑप्शन बी है अल्बेरूनी, ऑप्शन सी है जॉर्ज लेमेत्री एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा बिग बैंग थ्योरी को प्रस्तुत किया गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच ईयर डिड द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया स्टार्टेड? देखो इंडिया में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिसइन्वेस्टमेंट कब से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 2018 एंड ऑप्शन बी है 2000 एंड ऑप्शन सी है 1990 एंड ऑप्शन डी है 1991। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड? वह ब्रिज का नाम बताइए जो रोड कम रेल ब्रिज है जो कि आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए है पंबन ब्रिज, ऑप्शन बी है बोगीबिल ब्रिज एंड ऑप्शन सी है हावड़ा ब्रिज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोगीबिल ब्रिज जो है वह आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है और जो कि लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज है एंड बोगीबिल वह भारत का 5th लॉन्गेस्ट पुल है एंड जो
आसाम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, और जो इसकी लंबाई है वह 4.94 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, द सात ई प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ऑप्शन ए है एजुकेशन, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, एंड ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टेशन, एंड ऑप्शन डी है कम्युनिकेशन। सो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सात ई है वह है एजुकेशन से संबंधित है। आइए जान लेते हैं सात ई है क्या। सात ई का जो फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। और जो इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी वह 2017 में नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो इसका मेन रोल है, जो मेन एम था इस प्रोजेक्ट का, तीन मेन रोल थे। पहला स्कूल एजुकेशन सेक्टर्स में तीन रोल थे, एंड पहली बार झारखंड उड़ीसा एंड एमपी में इसको लॉन्च किया गया था। एंड जो फर्स्ट फेज ऑफ साथ ही का वह मार्च 2020 में कंप्लीट हो गया है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर स्कीम्स अचीवमेंट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी लोक कल्याण परियोजना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एंड ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जनधन योजना, एंड ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जनधन योजना है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा मान्यता मिली थी। इसमें क्या हुआ था कि यह स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2014 में लॉन्च की गई थी, एंड इस स्कीम में यह था कि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो यह स्कीम इसलिए थी। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सलेब डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड ऑप्शन डी है नन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सलेब डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। एंड जो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच स्टेट डज नॉट हैव अ विधान परिषद। निम्नलिखित में से किस स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन सी है केरला, एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। भारत में एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है कर्नाटका, एंड चौथा है महाराष्ट्र, एंड पांचवा है तेलंगाना, एंड छठवा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला के पास भी काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैटेलाइट बेस्ड एग्यूमेंटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है गगन शक्ति, ऑप्शन बी है नाग, एंड ऑप्शन सी है गगन, एंड ऑप्शन डी है चातन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गगन शक्ति जो है, ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन। आइए देख लेते हैं गगन का फुल फॉर्म क्या है। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, जो कि भारत के डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, बेरिंग स्ट्रेट जो है वह किस किस ओशंस को कनेक्ट करती है। ऑप्शन ए है एटलांटिक ओशन एंड एटलांटिक ओशन एंड गल्फ ऑफ हुडसन को, एंड ऑप्शन बी है इंडियन ओशन एंड जावा सी को, एंड ऑप्शन सी है आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशंस को, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशंस को बेरिंग स्ट्रेट्स के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जिसकी चौड़ाई 56 किलोमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 28 से लॉर्ड महावीरास ओरिजिनल नेम। लॉर्ड महावीर का ओरिजिनल नेम क्या है। ऑप्शन ए है आनंदा, ऑप्शन बी है सिद्धार्था, ऑप्शन सी है सरीपुट्टा, एंड ऑप्शन डी है वर्धमाना। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्धमाना जो था वह लॉर्ड महावीरा का ओरिजिनल नेम था। और जो लॉर्ड महावीर थे वह 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के, और जिनका जन्म 599 BCE में हुआ था,
जो कि वैशाली बिहार में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन वर्टिब्रेट्स डू नॉट इंक्लूड मॉलियोसिस, ऑप्शन बी है रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी है आर्कनाइड्स एंड ऑप्शन डी है इंसेक्ट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेप्टाइल। रेप्टाइल्स को इन वर्टिब्रेट्स में शामिल नहीं किया जाता है, और इन वर्टिब्रेट्स वे होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, द निपा वायरस आउटब्रेक इन 2018 टुक प्लेस इन, ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला में 2018 में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिपब्लिक, रिपब्लिक का ऑथर कौन है? ऑप्शन ए है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है जॉन रस्किन, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है प्लाटो एंड ऑप्शन डी है टीएस इलियट इलियट। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाटो। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ऑप्शन ए है विष्णु पुराण, ऑप्शन डी है रघुवामसम, ऑप्शन डी है ऋतु संहारा एंड ऑप्शन डी है अभिधर्मा कोशा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिधर्मा कोशा, जो है वह बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट एन ए बायोटिक कंपोनेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ए बायोटिक घटक नहीं है? ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है ग्रीन प्लांट, ऑप्शन सी है सनलाइट एंड ऑप्शन डी है सोइल। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन प्लांट, जो है वह ए बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। ए बायोटिक कंपोनेंट वे नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि एबायोटिक होते हैं, जो कि फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, एंड बायोटिक वे कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना जो जनरली होते हैं वह इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं लाइक एयर वाटर एंड सॉइल। एबायोटिक कंपोनेंट्स के जो एग्जाम्पल हैं वह वाटर है, सनलाइट है, रेडिएशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एटमोसफियर है एंड सॉइल। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन प्लांट। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज इंडियाज फर्स्ट एवर इनोवेशन एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च इन 2018। 2018 में जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 2018 में, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है HYSLS, ऑप्शन बी है GSAT-2, ऑप्शन सी एप्पल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी ऑप्शन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा HYSLS इज द राइट ऑप्शन। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्टा अद्वैता फिलोसफी, ऑप्शन ए विष्णु स्वामी, ऑप्शन बी है माधवाचार्य, ऑप्शन सी है रामानुजाचार्य एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रामा अनुज आचार्य इज अ राइट आंसर। चलिए चलते नेक्स्ट गेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन ग्रीन इज अ गवर्नमेंट स्कीम, ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है गवर्नमेंट की वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बम्बू डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू क्रॉप्स, ऑप्शन बी है सप्लाई स्टेबलाइजेशन ऑफ टॉप क्रॉप्स एंड ऑप्शन सी है रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट इन क्रॉप एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है मीराबाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सप्लाई स्टेबलाइजेशन ऑफ टॉप क्रॉप्स। टॉप का मीन्स होगा टमाटो एनियन एंड पटेटो। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया, भारत में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए कामनी, ऑप्शन बी है सरकस, ऑप्शन सी है अप्सरा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्सरा, जो है भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर है सबसे पहला। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। सो दोस्तों ऑप्शन ए है डरबन एंड ऑप्शन बी है केप टाउन एंड ऑप्शन सी है प्रीटोरिया एंड ऑप्शन डी है ब्लूमफोंटेन। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रीटोरिया, जो है वह साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और वहीं पे जो केप टाउन है वह साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD, ऑप्शन ए है पेरिस,
ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी है जिनेवा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस में OECD का फुल हेडक्वार्टर है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर किंगडम एनिमिलिया। सो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ एनिमिलिया किंगडम में नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा है ना शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।